महोदय से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये आपकी तनख्वाह है। मैंने कहा सेवा के लिए कोई तनख्वाह जरूरी है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बहरहाल मैं तो नहीं चाहता ये पैसे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग तनख्वाह को वापस लौटाएं, कहीं ना कहीं तो जाएगी। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा सर मुझे ये सरकारी गाड़ी, ये बंगला, ये तनख्वाह ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था स्कूल में पंजाब में, तो वहाँ पढ़ते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए, मुझे केवल। बहरहाल यहाँ किसान भगवान है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम लोगों को इसमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। काम ये किया कि मैंने हर महीने यह तय किया कि जितने मेरी तनख्वाह जाएगी उसके साथ साथ उतने ही पैसे मेरे जेब से जाएंगे, और देश में जिस किसान ने आत्महत्या की उसके परिवार को वो पैसे दिए जाएंगे, ताकि उनके बच्चे, उनकी विधवा को कभी समाज के सामने सिर झुकाना ना पड़े। मैंने सोचा कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये बहुत छोटा सा काम है। मैंने सारे संसद के सदस्यों को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने ये लिखा कि जितने करोड़पति सांसद थे, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, मैंने उनको चिट्ठी लिखी, अधिकांश थे। मैंने कहा कि मेरा निवेदन आप स्वीकार करें, आप अपनी तनख्वाह त्याग दें, और जो भी गरीब वर्ग जो आपके क्षेत्र का हो, जो आपके मन का हो, उसको ये पैसा दे दें। मेरे पास कोई संस्था नहीं थी, ना संगठन अपना था। मैंने क्या किया, मैंने उन लोगों की एक सूची बनाई और मैंने उनसे कहा, वो रईस लोगों से, बड़े लोगों से, पैसे वालों से, सेठ साहूकारों से, मैंने कहा ये किसान मंच पे आएंगे, आपको सम्मानित हम करेंगे, आप जो कहते हो वो चेक उनके हाथ में डाल दीजिए, मैं बीच का कुछ करना नहीं चाहता। और इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 32,000 लोगों की मदद पूरे उत्तर प्रदेश में की और उनको कर्ज मुक्त किया। भाइयों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आपके जीवन का कोई गहरा अर्थ निकलना चाहिए, निरार्थक जीवन नहीं होना चाहिए। धर्म हम लोगों को कहता है कि आगे भी जीवन है, आगे भी जीवन है, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो। लेकिन ये तो लिखी बातें हैं, ये कहीं किसी ने आभास तो किया नहीं। मैं आपसे कहता हूं भले एक दिन का जीवन हो, लेकिन वो जीवन की कीमत पूरी होनी चाहिए। भगवान ने हमको एक मजबूत कंधा दिया है, दो आंख, दो कान, बाजू दिए हैं, टांग हाथ दिए हैं, स्वस्थ बनाया है, विवेक दिया है कुछ करने के लिए।